हेलो स्टूडेंट्स, इसकी पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया, उसमें हमने सिखाया कि एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और जिस लेवल का पढ़ा है उससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना है कि एल्केन से एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं और कौन कौन से और नए एल्काइल ग्रुप हैं वो हम देखेंगे। इसके पहले मैंने थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, जैसे एल्काइल ग्रुप की मान लो मैं बात करनी है, ठीक है, तो एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप में मैंने पहले आपको सिखाया कि अगर कहीं पर मीथेन लिखा है और इस मीथेन में से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन घटा दो, क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 इस तरीके से लिखना पड़ेगा उसकी, क्योंकि वैलेंसी दिखानी है, तो हमने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो एक ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। सेम वे में आप क्या लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो, अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो क्या बन जाएगा, CH2 और CH3 बन जाएगा, ठीक है, CH2 और CH3 बन जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये था मीथेन, कैसे पता चला भैया ये मीथेन है, इतनी बुद्धि तो हो गई होगी, कैसे, एक कार्बन था तो मेथ बोल दिया, एन बोला क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड थे, इसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है इसलिए हम इसको एथ बोलेंगे और इसमें इथेन लगा देंगे, इथ और एन लगा देंगे, हाइड्रोजन घटाते ही क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, ये होगा मिथाइल ग्रुप, ठीक, और इसका क्या नाम होगा, इथाइल ग्रुप नाम होगा, ETH YL लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी N से एक हाइड्रोजन हटेगा तो YL लग जाएगा, ये नॉर्मल सी बात हमने पहले पढ़ रखी है। अब हमें पढ़ना है कुछ नई चीजों पे, देखेंगे ध्यान से, वो भी मैं याद करा दूंगा, बहुत ही आसान है आपके लिए। अगर मान लीजिए हमें पढ़ना हो आइसो ग्रुप के बारे में, ठीक है, हमें दो चीजें पढ़नी होती, एक आइसो होता है, दूसरा नियो ग्रुप होता है, ठीक है, नियो ग्रुप होता है, ठीक, देखेंगे ध्यान से, आइसो और नियो ग्रुप, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखें, आइसो ग्रुप जब कभी भी आपके सामने आएगा तो उसमें मिनिमम कैसे ग्रुप, देखो कैसे लिखा जाएगा, तो कम से कम तीन कार्बन की एक चेन होनी चाहिए, ठीक है, तीन कार्बन की एक चेन होगी जिसमें से इससे कनेक्शन आगे बनाया जाएगा, इससे कोई जोड़ा जाएगा आगे, ठीक है, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ जैसे आपने हाइड्रोजन हटा के एक बॉन्ड बनाया है क्योंकि उसकी वैलेंसी आगे हाइड्रोजन से खाली है, उसी तरीके से इसमें भी एक ऐसा ग्रुप होगा। देखिए क्या लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ CH3 हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये CH2 था और इसको क्या लिख देंगे, CH3, देखते रहिएगा ध्यान से, आइसो ग्रुप कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, एल्केन क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको नंबरिंग आ रहा होगा। अगर हम इसके कार्बन नंबर 2 में से एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या कर दें, एक हाइड्रोजन घटा दें या हटा दें तो क्या होगा, और या तो कार्बन नंबर 1 या 3 में से, 1 में से चलो हटा देते हैं, 1 या 3 दोनों सेम ही हैं, तो या तो 1 से एक हाइड्रोजन हटा दो या 3 से हटा दो तो क्या बोला जाएगा, देखेंगे इसको। अगर कार्बन नंबर 2 से एक हाइड्रोजन हटाओ, कार्बन नंबर 2 से हटाओगे तो कैसा बनेगा, देखिएगा, यहां बनेगा CH और यहां पर क्या रहेगा, किनारे किनारे CH3 और इस किनारे क्या रहेगा, CH3, तो इसकी बची हुई वैलेंसी कितनी है, 1, तो बची वैलेंसी किसी से कनेक्टेड होगी, तो जो किसी से कनेक्टेड होगी, मतलब मैं ऐसे बना दे रहा हूं, अगर किसी से कनेक्टेड, आप गलती से भी मत समझना यहां कार्बन है, ये मैं बता रहा हूं, ये किसी से जुड़े होंगे, तो इस ग्रुप का क्या नाम है, इस ग्रुप का नाम है आइसो ग्रुप। तो अगर कहीं पर ऐसा वी बना दिख जाए, कहीं पर वी बना हुआ ऐसा दिख जाए तो आप कहोगे कि वो आइसो ग्रुप है, वी बना दिख जाए, देखो वी बना दिख जाए तो इसको बोलेंगे कि वो एक आइसो ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखना, आइसो का मतलब वी बनाना है, और वी ऐसे बनाना और यहां बीच वाले जंक्शन से एक चीजें आगे बढ़ा देनी। अब अच्छा, कार्बन नंबर 1 से हटाएं तो क्या होगा, देखो कार्बन नंबर 1 को हटाओ तो क्या बनेगा, CH2, ठीक, अगला फिर से CH2 और यहां पर क्या लिखा जाएगा, CH3, ठीक, देखिए CH3 ये रहा कार्बन नंबर 3 पर, ये नंबरिंग की गई है, ये 3 क्या था, नंबरिंग है, ठीक है, 1, 2, 3, तो हमने क्या लिखा, CH3 वाले कार्बन पे, ध्यान समझना, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, अब इसका क्या नाम रखें, अगर हम कार्बन नंबर के सेकंड वाले से हटाएंगे तो अब तो आइसो बन जाएगा, लेकिन किनारे वाले से हटाएंगे तो देखिए एक नॉर्मल सी चेन है, एक नॉर्मल सी चेन है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल, और कितने कार्बन प्रेजेंट हैं,
देख लीजिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, तीन, तीन कार्बन की वजह से क्या लिखते हैं प्रोप, तो क्या लिखे नॉर्मल प्रोपेन लिखते, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे प्रोपाइल, क्यों, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन हटा लिया गया है। अरे जैसे यहां देखो मीथेन से मिथाइल तो प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये था प्रोपेन, देख लीजिए ये था प्रोपेन, हमने क्या कर दिया प्रोपेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो हो जाएगा प्रोपाइल ग्रुप, लेकिन क्योंकि एक ये नॉर्मल चेन है, देखो एक सीधी सी चेन बनी हुई है, आप कहोगे सीधी कैसे, सीधी कहने का मतलब होता है कि आप बीच से नहीं हटा रहे हो, अगर आप बीच से हटाओगे तो देखो वी बन जाएगा, और यहां पर वी नहीं बन रहा है बल्कि एक सीधी सी चेन बन रही है, इसीलिए इसको नॉर्मल, नॉर्मल चेन, एन फॉर नॉर्मल, भैया याद रखना एन फॉर नियो मत बोल देना, ये एन किसके लिए है, एक नॉर्मल चेन को बताने का साइन है, नॉर्मल सी चेन की बात की जाती है तो N लिखा जाता है, ठीक है, N प्रोपाइल ग्रुप बोला जाता है, अगर हम 1 से कनेक्ट कर दें, अगर हम 1 से कनेक्ट करें तो क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन का मतलब क्या होता है एक सीधा सा प्रोपेन, मतलब एक नॉर्मल प्रोपेन जो होता है वही है ये, ठीक है। अब याद क्या रखना था, हमें मेनली ये जानना है आइसो का मतलब क्या होता है, हमें वी बनाना है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया दिखाओ क्या बनाना है, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, आइसोब्यूटेन, अब बुद्धि जल, बुद्धि कुछ खुलनी चाहिए, ठीक है। अब ब्यूटेन में क्या है, चार कार्बन है, लेकिन हमने क्या सिखाया आइसो में वी का होना बहुत जरूरी है, अब वी बना लो, पहले देखो हमने क्या बना दिया, वी बना दिया, क्यों बनाया, क्योंकि आइसो को देख के बनाया, लेकिन ब्यूटेन लिखना था, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन, इसका मतलब अगर ये वी बनाना है तो एक लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो देख लीजिए इस वाली चीज को देखिए, ऐसा वी बना हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, चार कार्बन, इसलिए ब्यूट, और एन क्यों, क्योंकि ये एल्केन है, तो ये जो सकल सूरत बनी है ना इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन, तो याद रख पाओगे इसको क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है ओके। और ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बस सीखते चले अभी। ये नियो ग्रुप कब आता है, ध्यान रखना नियो ग्रुप तब आता है जब कहीं पर प्लस बना हो, क्या बना हो, याद करने के लिए सब चीजें बता रहा हूं कि प्लस कैसे बनाएंगे, देखिए प्लस बनाने के लिए हमें कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है, चार है ना, अरे भाई साहब पांच, कैसे, ये बीच में भी है 1 2 3 4 5, टोटल पांच कार्बन की जरूरत होती है अगर हमें कहीं प्लस बनाना है, तो देखिए इसका क्या नाम है, ध्यान समझना, इस बिरादरी का सबसे छोटा आदमी जो होता है ये प्लस होता है, ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं नियो, नियो का मतलब हुआ ये प्लस का बनना, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, पांच, इसका मतलब नियो, इसके बाद आप लिखोगे पेंटेन, अगर कहीं पर नियो पेंटेन लिखा है तो उसका मतलब होता है कि ऐसा प्लस बनाया गया है, ठीक है ओके। सेम वे में अगर मान लो आपसे पूछूं मैं कि आप नियो पेंटाइल ग्रुप बना के दिखाओ, नियो पेंटाइल ग्रुप, इसका मतलब क्या है, इस पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, अब बताओ हाइड्रोजन हटाओगे कहां से, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हटेगा कहां से, किनारे से, तो यहां पर क्या लिखा है CH3, यहां पर भी क्या था CH3, यहां पर लिख दोगे CH3, और यहां पर भी कार्बन से CH3, ठीक है। अब किनारे के किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा, देखिए मान लो इसका नाम है CH2, फिर आगे हमने कैसा बना दिया, यहां पर CH3, फिर यहां पर क्या CH3 CH3, और इसको आगे किसी से कनेक्ट करेंगे, देखिए इस ग्रुप को हमने क्या किया, यहां का एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो जो ये ग्रुप बना हुआ दिख रहा है इस ग्रुप का नाम है नियो पेंटाइल ग्रुप, क्या नाम है नियो पेंटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे बताइए, नियो हेक्सेन, नियो का मतलब कम से कम प्लस की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन प्लस कितने कार्बन कवर करता है, पांच, इसका मतलब हेक्सेन में कितने कार्बन थे, सिक्स, इसका मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो एक कार्बन ऐसे एक्स्ट्रा लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, और ये बोला जाएगा कि ये नियो हेक्सेन है। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि आप नियो हेक्साइल ग्रुप बना के दिखाओ, नियो हेक्साइल ग्रुप, आप बताइए आप क्या करोगे, यहां किनारे से कभी मत हटाना, क्योंकि अगर ये कार्बन आगे बढ़ चुका है तो हम अब आगे वाले कार्बन को CH2 और इसको किसी से कनेक्ट करेंगे, अब इस ग्रुप का नाम क्या है, नियो हेक्साइल ग्रुप, ठीक है, आप यहां से कभी भी मत हटाना गलती से। तो हमने क्या बोला, नियो आप क्या बनाएंगे, हेक्सेन बनाएंगे, वहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो नियो हेक्साइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको आइसो और नियो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक एग्जांपल जो मैंने अभी कराया था आइसोब्यूटेन के बारे में, आपसे कोई पूछे कि बताइए आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल कैसे बनाया जाए,
आइसोब्यूटाइल। आप बताइए कैसे बनाते हैं। आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल जाने में एक हाइड्रोजन हमें हटाना पड़ेगा, जैसे एल्केन से एल्काइल जाने में। आइसोब्यूटेन से आप बताइए कहां से हमें करना चाहिए, V बनाने के बाद यहाँ CH2 लिखना चाहिए और इसको किसी से कनेक्ट कर देना चाहिए। तो इतना जो ग्रुप होगा उस ग्रुप का क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या एक दो तीन चार कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि इस किनारे वाले किसी भी किनारे वाले से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, ठीक है। तो आई होप आपको कम से कम आइसो और नियो तो पूरी तरह से क्लियर हो ही गया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, कुछ और एल्काइल ग्रुप्स हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं, नाम आपके लिए नए हैं, सीखेंगे तो आप जितने भी हैं अगर हम मिलजुल कर सीखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आईयूपीएससी में जितने भी पॉसिबल एल्काइल ग्रुप हैं सब पढ़ा दूँ, क्योंकि ये कहीं भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मतलब आपके पेपर में आ जाएगा और आप कहेंगे कि ये पार्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था, उससे अच्छा है कि जितना है सब कुछ निपटा देते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए एस ब्यूटाइल, अब एस का क्या मतलब है, एस का मतलब होता है टू डिग्री या सेकेंडरी। क्या लिखा जाएगा, टू डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है। और आपसे पूछा जाए टी ब्यूटाइल, टी का मतलब थ्री डिग्री या टर्सरी। क्या बोलेंगे, टर्सरी, ठीक है। टर्सरी या थ्री डिग्री इज द टी ब्यूटाइल, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। टू डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी, आपको दिया था एस ब्यूटाइल लिखने को। तो पहले देखो इनको और इनको, इन दोनों को समझने के लिए हम चलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल के पास, एन फॉर नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल चीजें समझ में आएंगी तभी हमें समझ में आएगा कि सेकेंडरी और टर्सरी क्या होती है। देखिए तो ब्यूटाइल बनाने का तरीका क्या है, पहले आप ब्यूटेन बना लीजिए। चलिए अगर आपको बोला जाए आप ब्यूटेन बनाइए तो आप ब्यूटेन ऐसे बनाएंगे, चार कार्बन की एक चेन बना देंगे। अब उसमें से अगर आप ध्यान रखना, अगर आपने इस वाले किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाए हैं तो उसको बोलते हैं, देखना एक ऐसा बना दूं, वन टू थ्री, अगर मैं ऐसा बना दूं कि इसको यहां से यहां के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए इस तरीके से, तो इस ग्रुप का क्या नाम होगा, इस ग्रुप का क्या नाम होगा, तो इस ग्रुप का नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इस वाले कार्बन को हमने क्या किया, ध्यान से लिख लेते हैं दोबारा, सी एच टू, फिर बीच में भी सी एच टू, यहां पर भी सी एच टू, और इसको आगे अगर कनेक्ट करें तो सी एच थ्री, ठीक है। तो सात चीजें समझ में आ रही हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, और इसको अगर ऐसा कनेक्ट किया जाएगा तो इस ग्रुप का नाम बोला जाएगा एन ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि वो किनारे की तरफ जुड़ा है। अगर किनारे की तरफ जुड़ा तो नॉर्मल ब्यूटाइल आएगा, ठीक है। शायद इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ओके, अब आते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल पर। देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ कि आप एक पहले नॉर्मल ब्यूटेन बनाइए, उस नॉर्मल ब्यूटेन का टू डिग्री कार्बन ढूंढिए। टू डिग्री कार्बन कहां पर है, देखिए यहां, ठीक। अगर इस टू डिग्री कार्बन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो कैसा बनेगा, इसको ऐसा बनाइए और इसको किसी से कनेक्ट कर दीजिए, ऐसा कनेक्ट कर दीजिए, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, ये ग्रुप हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर आपने किनारे कनेक्ट किया तो नॉर्मल ब्यूटाइल, यहां कनेक्ट किया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। शायद समझ में आ रहा होगा क्यों सेकेंडरी बोला, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट किया। अब बात आती है टर्सरी ब्यूटाइल की, तो पहले टर्सरी नाम की कोई चीज तो बनाओ, एक कार्बन ऐसा बना लो जिसके किनारे किनारे तीन CH3 ग्रुप लगा दो। देखिए ये क्या है, ये भी एक ब्यूटेन है, ठीक है, लेकिन कैसा ब्यूटेन है, टर्सरी ब्यूटेन टाइप में है, थ्री डिग्री में है। अगर ये थ्री डिग्री में है, अगर वैसे ब्यूटेन तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ब्यूटेन बोलते वक्त हमें चार कार्बन चाहिए मेन चेन में, और यहाँ पर वन टू थ्री कार्बन ही है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल के केस में देखो क्या करते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल के केस में ये जो किनारे का हाइड्रोजन है उसको हटा करके अगर हम किसी को जोड़ दें तो इस ग्रुप का नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि ये कार्बन की डिग्री क्या है, जिस कार्बन की डिग्री क्या है, थ्री डिग्री, इसीलिए ये टर्सरी या थ्री डिग्री ब्यूटाइल कहलाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब इस कार्बन से कनेक्ट करो जिससे तीन कार्बन जुड़े हैं, अगर इस कार्बन से कनेक्ट करो जिससे दो कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी, अदरवाइज नॉर्मल ब्यूटाइल आएगा। ओके, वन टू थ्री, इसको पढ़ने के बाद हम फोर्थ नंबर पर आते हैं। इसको पहले पढ़ो, इसको क्या लिखा है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, दो कार्बन, दो कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से हमने इथ लिख दिया, और एथ में अगर इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा, इथीन। अगर मान लीजिए हम इनमें से एक हाइड्रोजन घटा दें, एक
हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा, मान लीजिए इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो कैसा बनेगा, एक लाइन बना दिया, फिर हमने सी एच बना दिया, डबल बॉन्ड सी एच टू बना दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए इस ग्रुप का क्या नाम होगा तो क्या जवाब देंगे, बताइए क्या जवाब देना चाहिए हमें, हम वाई एल लगाएंगे। क्या लगाते हैं, वाई एल लगाते हैं, जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वाई एल लगाते हैं। देखिए हमें क्या लिखना है, पहले अभी भी एथ लिखिए, यहां पर इन भी लिखिए, एथ इन इतना लिख दिया, लिखने के बाद ये वाई एल जोड़ दीजिए, ई हटा करके वाई एल जोड़ते हैं, क्या करते हैं इनमें से ई को घटा दीजिए, वाई एल को जोड़ दीजिए, तो जो बनेगा वो हमारे एल्काइल ग्रुप का नाम होगा। मतलब अगर यहां से इथीन का ई काट दो, ये ई काट दो, तो बचा क्या, एथ इन, ये बच गया, इसमें वाई एल जोड़ दिया गया, क्या बोला जाएगा, इथ इन वाई एल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई, पढ़ लेना इसको, ओके। तो ये चीज समझ में आई गई, अब आगे आते हैं इन पर, इनका क्या नाम है भैया, इनका नाम है इथाइल, ETHYL, है ना, अरे भाई साहब सोइए नहीं, इसका क्या नाम होगा, इथाइन, टी इथाइन बोलेंगे तो वाई एन ई जुड़ जाएगा, है ना, ई एन ई होता तो वहां पे वाई एन ई क्यों जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर यहां पर एक हाइड्रोजन घटा दें तो हमें क्या करना है, इसमें से ई घटाइए, यहां से ई हटा दीजिए और वाई एल को जोड़ दीजिए, यही करते हैं। अगर हाइड्रोजन हटाया तो बनेगा क्या, एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, अब इतने को क्या बोलेंगे, ध्यान से देख लो क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखिए, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, जो कि लिख दिया, ठीक है, फिर लिखेंगे वाई एन, फिर लिखेंगे वाई एल, ध्यान से सुन लो, इथ वाई एन वाई एल, इथ वाई एन वाई एल, याद रखना इन चीजों को, इन पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लग गया आंसर आ जाएगा। आपको कोई पूछे इसका बताइए क्या नाम है तो आप बताएंगे इथ वाई एन वाई एल, ठीक है। सेम वे में आप यहां आइए, ठीक है, ये थोड़ा विचित्र प्राणी है, इनको देखेंगे, कार्बन नंबर वन ये है, कार्बन नंबर टू ये है, कार्बन नंबर थ्री ये है। अगर कार्बन नंबर टू से हटाते हैं, कहां से हटाते हैं, कार्बन नंबर टू से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा, तो कैसे बनेगा, देखिए, डबल बॉन्ड और एक सी एस थ्री, हमने क्या किया, डबल बॉन्ड एक सी एस थ्री, और यहां से हमने किसी को कनेक्ट कर दिया, अगर जोड़ दिया तो इस ग्रुप का क्या नाम होगा, इस ग्रुप का नाम होता है विनाइल ग्रुप। क्या, विनाइल ग्रुप, विनाइल का मतलब होता है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप से कनेक्ट करना, ये हो जाएगा विनाइल ग्रुप। एक ये वाला जो है ये आईयूपीएसी नेम में नहीं आता, ये कॉमन नेम टाइप का है, बस उसको आपको याद करा रहा हूं, कहीं काम आ जाएगा। तो मान लीजिए कार्बन नंबर थ्री से अगर हाइड्रोजन हटा दें, अभी हमने टू से हटाया, अब थ्री से हटाया तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे डबल बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ कार्बन, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, और उस कार्बन पर केवल सी एच टू लिख करके एक आगे कनेक्शन बना दिया जाए, तो ये बचा हुआ ग्रुप क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, ए डबल एल वाई एल, इसका नाम होता है एलाइल ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हटाते हो तो एलाइल ग्रुप, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हटाते हो तो उस कार्बन का नाम है विनाइल ग्रुप। ओके, अब आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखो भाई, ठीक है, इनको और इनको, जितना हमने ऊपर वाला पढ़ा है बहुत ही आसान है, इन पे थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। सी एच टू याद रखना, अगर कहीं पर ऐसे डबल बॉन्ड करके सी एच टू लगा हो तो इस ग्रुप का क्या नाम है, डबल बॉन्ड के साथ अगर सी एच टू है तो इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। क्या, मिथाइल लिखो फिर उसमें इन लगा दो, मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इसको, मिथाइलिन ग्रुप बोला जाता है जब सी एच टू इस तरीके से लिखा हो, एक कार्बन के लिए मिथाइल लिख दिया, इन लगा दिया क्योंकि डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर सी एच टू के अलावा कुछ और होगा, ये क्या लिखा है, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, सी एच और एक आर, आर मान लीजिए आपने सी एच थ्री ले लिया, चलिए तो हम एक एग्जाम्पल में आपको समझा दे रहे, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड अगर यहां पर हम क्या ले लें, सी एच थ्री, ठीक। आपसे कोई पूछे भैया इस ग्रुप का क्या नाम होगा, तो क्या जवाब देंगे, इस ग्रुप का नाम, यहां से मिथाइलिन की तरह आप इसको इथाइलिन गलती से भी मत बोलिएगा, क्योंकि इनका नाम एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, इनको याद ही रखना पड़ता है। सी एच टू डबल बॉन्ड का नाम है मिथाइलिन, और इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना, पहले लिखो इथाइल, फिर इथाइलिडीन बोलते हैं, इथाइल फिर लिखते हैं इथाइलिडीन, अगर मान लो आई डी लगाओ और फिर ई एन ई लगाओ, क्या लिखा, इथाइलिडीन बोलते हैं इसको, हम आई डी एक नया शब्द जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, मिथाइलिन इथाइलिन टाइप का बोलते हैं लेकिन इसमें हम आई डी एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, आई और डी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन, ठीक है, शायद ये बात समझ में आया हो। ओके, अब एक पॉइंट और बचता है जो कि मैं यहीं कवर कर ले रहा हूँ, अलग से पढ़ाने की उसको जरूरत नहीं है,
ओके, मान लीजिए बेंजीन को तो आप पहचानते होंगे, ठीक, बेंजीन ये होता है, तो इसको बेंजीन का ये लिखने का बीच में गोला लिखने का मतलब होता है कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल सिंगल डबल, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, बेंजीन को क्या लिखते हैं, C6H6, बेंजीन को लिखते हैं C6H6, लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, C6H5, इसको किसी से ऐसे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी तभी पूरी होगी, ठीक है। अब C6H6 से अगर एक हाइड्रोजन हटाया गया, इसका नाम तो बेंजीन है, लेकिन भैया इसका नाम याद रखना, उसका नाम है फेनाइल रिंग, क्या, फेनाइल ग्रुप, याद रखना C6H5 का नाम है फेनाइल, इसका नाम है बेंजीन। तो इसकी शक्ल सूरत स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देख लो, इसको अगर बेंजीन को किसी से कनेक्ट कर दिया जाए, किसी से जोड़ दिया जाए, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फेनाइल हो जाता है। तो याद रखेंगे फेनाइल ग्रुप, याद रखना पड़ेगा आपको, ओके। आगे देखते हैं, इसके बाद हमें एक नए पॉइंट पर आना है जहां पे पढ़ना है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसका मतलब जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब हमें एल्कीन या एल्काइन का नाम पढ़ना है, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है, वैसे मैंने इससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट आपको पढ़ा रखा है पहले, इस पहले की वीडियो में, जहां पे मैंने कहा क्या बताया था कि प्राइमरी सफिक्स के बारे में जब मैंने आपको सिखाया था, उस समय मैंने 7-8 एग्जांपल दिए थे, जिससे हमने बता दिया था कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, किसका, एल्कीन का और एल्काइन का। उतना आप अगर आपको आता है तो ये बस थोड़ा सा उनमें ऐड किया गया, ये कठिन नहीं है, एकदम बहुत ही आसान होने वाला है, लेट्स सी, देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि हमें पहले क्या ढूंढना होगा, हमने अब तक क्या पढ़ा कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, वो चार चीजें आपको याद है क्या, देख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, अभी मल्टीपल बॉन्ड छोड़ दीजिए, एंड क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसी चार चीजों को फिर लिखना है, लेकिन एक नई चीज जोड़नी है जो कि है मल्टीपल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल आएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पहले देखेंगे, और उसके बाद हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। उस समय हम क्या देखते थे, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, पहले हम कहां फोकस करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे, ठीक है। और इसके सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया क्या, उस समय हमने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन अब मैं कह रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विद मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट वाले में क्या कह रहा हूं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ऑन दैट टाइम हमने बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखो, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मल्टीपल बॉन्ड के लिए पहले देखो, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट भी नोट किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड इज सुपीरियर देन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जब कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड दिखे तो याद रखना मल्टीपल बॉन्ड इज सुपीरियर देन सब्स्टिट्यूएंट, एंड मल्टीपल बॉन्ड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड इज जूनियर देन डबल बॉन्ड, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लो। इसी के साथ क्या बोला हमने, अगर सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड को देखना हो तो हम कहां जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखना हो तो कहां जाएंगे, डबल बॉन्ड को। अगर इतनी चीजें आपको आती हैं, नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, लेट्स सी, ओके। इनको देख रहे हैं भैया, इनमें देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक क्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें कहां जाना चाहिए, इसको 6 वाले को लेना चाहिए। अगर ये 6 वाला हमारा मेन चेन हो गया तो देखना भाई ध्यान से, इसका मेन चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम यहां से शुरुआत करेंगे, 1 ये 2 और ये क्या होगा 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा आप बताइए हमने यहां से क्यों नहीं किया, ये भी तो हो सकता है 1, 2, 3, 4। तो याद रखो अगर हम इधर से चलते तो 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आता, लेकिन हम इधर से चल रहे हैं तो कहां आ रहा है 3 नंबर पर। तो यहां पे भी बोल सकते हो हमने इधर से काउंटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उसका लोवेस्ट सेट नहीं बन रहा था, लोवेस्ट सेट इससे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड के लिए लोवेस्ट सेट तैयार करना है। तो इधर से चलने पर 4th नंबर आएगा, इधर से चलने पर 3, इसलिए हमने 3 को प्रेफर किया। अब नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखें 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, हेक्स लिखते हो, हेक्स लिख दिया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। देखिए हेक्स लिखने के बाद आपके किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, सॉरी इधर से चलने पर 1, 2, 3, 4 पर आता, इधर देखो 2 पर ही आ रहा है, तो लिखेंगे हेक्स टू इन का मतलब क्या कि आप 6 कार्बन बनाइए, उसके इधर से चल रहे हो तो 1, 2 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड लगाइए, हेक्स टू इन, और उस पर कार्बन नंबर 3 को देखिएगा, कार्बन नंबर 3 पे कौन लगा है, CH3 एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
शायद समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम किसको क्या बोलेंगे, 3-methylhex-2-ene। इससे क्या पता चला, देखिए हम उल्टा आते हैं, पहले नाम को देखते हैं। हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन बना लो, उसके दूसरे पॉइंट पर क्या लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, और तीसरे पॉइंट पर क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, आसान है, ओके। सेम वे में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये पहला वाला हमने कर दिया, अब आते हैं इनमें, इनमें देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब बताइए हमको किधर जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, याद रखो मल्टीपल बॉन्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड 2-3 बार मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ये वाला, देखिए क्यों लिया, रीजन भी समझा रहा हूं आपको, देखिए अगर आप इस वाले को सिर्फ एक डबल बॉन्ड आता और एक इतना बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट आता, कब, जब आप इसको लेते, लेकिन आपने इसको लिया तो देखिए क्या क्या फायदा हो रहा है, दो डबल बॉन्ड आ गए उसी में और एक क्लोरीन और एक मिथाइल, ये क्या मिल गए, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इथाइल, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, क्लोरीन। तो बताइए काउंटिंग किधर से करूं, ये भी आपके लिए सवाल हो सकता है, 1, 2, 3 करना चाहिए या 1, 2 करना चाहिए, तो जवाब है 1, 2 करना चाहिए, 1, 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां 2 पर क्लोरीन है लेकिन यहां 3 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इसलिए हमने सबसे क्या देखा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, अगर आप यहां से जा रहे हो तो कहां कहां मिल रहा है, 2 और 3 पर मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको सही बोला। लेकिन आप मान लीजिए इधर से चलते 1, 2, 3, तो कहां मिलता, 3 पर मिलता, ऐसे जाने पर 3 पर, 4, फिर के बाद 3 और 4 पर मिलता, तो 3 और 4, 2 और 3 में कौन अच्छा है, 2 और 3 अच्छा है। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर इसी हिसाब से करेंगे, बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, बोलिए पेंट लिखा जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट आएगा। लेकिन देखिए ध्यान समझना, 1 और 4 पर डबल बॉन्ड है, देखिए इधर चलते वक्त 1 पर और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखा जाता है पेंट 1, 4, डाइईन। आपको सिखाया था हमने कि दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो डाइईन बोलते हैं, पिछले वीडियोज में ये सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका इतनी बात निपट गई, मेन चेन को हमने लिख दिया, मेन चेन लिख दिया, 1, 4, डाइईन लिख दिया, बचा क्या, इथाइल और क्लोरीन। तो लिखेंगे क्या, इथाइल को पहले लिखूं या क्लोरीन को, ई पहले आता है या क्लोरीन पहले आएगा, सी, तो सी पहले आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, 2 क्लोरो, क्या लिखा जाएगा, 2 पर क्लोरो एंड 3 पर इथाइल, 2 क्लोरो 3 इथाइल, तो ये एक नया नाम जुड़ जाएगा, 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंट 1, 4 डाइईन, एक साथ इनको जोड़ देना, क्योंकि 2 पर क्या है क्लोरीन और 3 पर क्या है इथाइल, और इसके बाद पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1, 4, 1 और 4 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो दिख रहा है शायद डाइईन। इसके बाद आते हैं इन पर, इनका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, आप चाहो तो इधर से लिख लो, चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप बताइए ये ज्यादा सही है या ये वाला ज्यादा सही है, 1, 2, 3, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ पर बगल में 5, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ 6, तो बताइए नीचे वाला सही है या ऊपर वाला, शायद समझ में आ रहा हो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, अगर आप इधर से जाते हो तो 4th नंबर पर मिलेगा आपको एल्कीन, और इधर से आते हो तो कहाँ मिल रहा है भैया, 2nd नंबर पर, इसलिए ये वाला सही है, तो ये वाला गलत है, इनको काट दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाला सही है। तो नाम कैसे लिखोगे भैया, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, हेक्स, ठीक, हेक्स लिखने के बाद कौन सी पर डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2-ene, देखिए कितना आसान है ये, हेक्स 2-ene, मजा आ गया, ओके, बहुत ही आसान है ये तो, है ना, 10th में या ऐसा करते रहे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, ओके। अब आते हैं इन पर, ठीक है, जहां पर हमें क्या लगाना है, डबल या ट्रिपल में से हम किसको सुपीरियर या सीनियर मानेंगे, चलिए देखते हैं, हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, आप यहां से 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते थे, या यहां से लिखो 1, 2, 3, 4, 5, काउंटिंग किधर से शुरू करें, तो जवाब है उधर से शुरू करो, अगर इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा सुन लो, बल्कि मैं लिख देता हूं, यहां से लिखो तो क्या आएगा, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखो क्या क्या आ रहा है, पहले पर आ रहा है डबल बॉन्ड फर्स्ट, और यहां पर 4, 1, 4 आ रहा है, ठीक है, अगर हम इधर से भी करते तब भी 1, 4 आता, देखो 1, 1, 2, 3, 4, तब भी 1, 4 आता, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से ये इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम है तभी हम ये बोलेंगे कि डबल बॉन्ड इज सीनियर देन ट्रिपल बॉन्ड, अदरवाइज नहीं। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं है
तो हमें क्या करना है, छोटा लोकेंड पकड़ के रखना है, उसी सेट को हमें अप्रूव कर देना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ से चलने पर 1414 आ रहा है, इसका मतलब हमें उधर लेना जिधर डबल बोन पहले आता है, तो मतलब ये वाला सही है। इतनी बात समझ में आ रही है, जो लाइन बोला है मैं उसका एक एग्जांपल अभी करा देता हूं। ओके, तो बताइए कितने कार्बन प्रेजेंट है भैया इसमें, पांच। पांच कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, तो लिख दे पेंट, लिख दिया पेंट। लिखने के बाद बताइए क्या लिखा जाता है, आपको सिखा चुका हूं ये चीज, क्या लिखेंगे, पेंट वन पर इन और फोर पर आइन लिखेंगे। ठीक, शायद दिख रहा हो, क्या होगा, पेंट वन पर इन मतलब डबल बोन और फोर पर आइन। ठीक है, कभी भी गलती से उल्टा मत लिखना, फोर पर आइन आगे नहीं आएगा, वन पर इन बाद में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो इन का ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आ रहा है, तो इन को हम पहले लिखेंगे, आइन को बाद में, इन आइन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में वाई एन ई आता है, लेकिन शायद समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा भरोसा है, है ना। ओके, मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल यहां पर बनाता हूं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लो ऐसा लिखा होता, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक ऐसा बनाते हुए हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ओके, अब इस डबल बॉन्ड के इधर भी हमने एक कार्बन लगा दिया, तो बताइए हमें नंबरिंग किधर से शुरू करनी चाहिए, क्या हमें इधर से शुरू करना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड सीनियर है, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंड सेम नहीं है। करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 इससे निकल के क्या आया, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसके लिए, मल्टीपल बॉन्ड के लिए, क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहां पर आने पर 6 आ रहा है, 2 और 6। लेकिन अगर इस कार्बन को मैं 1 दे दूं, यहां पर 2 दे दूं, यहां पर 3, इसको 4, इस वाले के लिए हम क्या लिख दें, 5, इसके लिए 6 और इसके लिए क्या लिख दें, 7 लिख दें। देख लो ध्यान से, ठीक, तो यहां पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या आ रहा है, 1, और क्या आ रहा है, 1 के बाद इस वाले कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, 5, 1 एंड 5 आ रहा है। ध्यान से देखना, ये 1, ये 2 3 4, तो यहां पे क्या आ रहा है, 5। ठीक है, अगर हम नीचे वाले को देखें तो यहां पर 1 5 आ रहा है, ऊपर वाले को देखें तो 2 6 आ रहा है, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट में ही ये फेल हो गया। तो इसका मतलब जो ये ऊपर लिखा है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका लोवेस्ट सेट नहीं है, 2 6 है, बल्कि 1 6 ज्यादा अच्छा है। तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, ये वाला फॉलो करना चाहिए। तो इसमें कहीं भी मत सोचना कि भैया ट्रिपल बॉन्ड किनारे था तो सर आपने बोला डबल बॉन्ड सीनियर, नहीं। लेकिन ये लाइन कब लगानी है, जो मैंने लाइन बोली ना वो तब लगाना है जब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो, तभी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। पहले लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो सेम रखो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, इन, इन मतलब डबल बॉन्ड पहले आएगा। ओके, शायद समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ही सेम नहीं था, इसलिए ये चीज कैंसिल हो गई, तो यही फाइनल हुई। अगर ये फाइनल हुई तो इसका नाम बताइए क्या आएगा, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हो भैया, हेप्ट, हेप्ट लिख दूं। ओके, हेप्ट लिखने के बाद, अच्छा आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है, सर इसको 1 आइन लिख दीजिए डायरेक्ट, हेप्ट 1 आइन, इसके बाद लिख दीजिए 5 पर इन, भैया गलत है, पहले आप हमेशा डबल बॉन्ड लिखोगे, क्या लिखोगे, हेप्ट 5 इन 1 आइन। दोबारा मैच करा देता हूं, जो भी मैंने लिखा है, क्या लिखा हमने, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 1 आइन देखो सबसे लास्ट में लिखा है, 5 पर इन पहले लिखा, 5 पर इन पहले क्यों लिखा, क्योंकि इन का ई पहले आएगा, वाई बाद में आता है। ठीक है, ओके, शायद समझ में आ रहा हो, ये बहुत ही आसान था, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये सब बहुत ही आसान होगा। ओके, समझना, तो आप आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, लगातार दोहराइए, और आप कोई एक एक्सरसाइज शीट ले लीजिए, ठीक है, जिस पर आप प्रैक्टिस कर पाए, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लें, या तो आपके पास जो कोई भी बुक हो नॉर्मल सी, बहुत कठिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो एडवांस में बहुत कठिन आता है, ना तो एम्स में आता है, ना तो नीट के पेपर में बहुत कठिन आता है। आप कई लोगों के मन में सवाल होता है, क्या सर आईयूपीएससी भी आता है क्या, जी जनाब आईयूपीएससी अब की बार भी आया था एम्स में, अब की बार आपके इसमें नीट में भी एक क्वेश्चन। आप अगर बात करें आप मेंस की, तो मेंस में करीब इतने ज़्यादा जितने भी टर्म्स थे, 8 टर्म्स में करीब 7 से 8 क्वेश्चन तो आए ही थे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।